दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हादसे के बारे में बताने वाली हूँ जो हादसा मेरे साथ कल रात को ही हुआ है और बहुत ही डरावना खौफनाक हादसा था। दरअसल क्या हुआ कि कल रात को मतलब चौरचंद पूजा थी हमारे, तो मैंने बहुत ही मतलब ऑयली ऑयली खाना बना था, तो प्यास लगती रहती है। वैसे तो पानी इतना पी के सोई, फिर भी मुझे प्यास लग गई। रात को कुछ 3:30 का टाइम हो रहा होगा, तो मैं सुबह उठी और बाथरूम वाथरूम गई, और उसके बाद जब मैं आई तो मैं यहाँ पे, ये हमारा फिल्टर है, तो मैं यहाँ पे पानी पीने लगी थी। तो जैसे ही मैं पानी पी के तो ऐसे ही देखने लगते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे स्लिप के पास खड़े होके मैं पानी पीने लगी। तो ये देख रहे हो आप, जो ये पार्क में एक झूला दिख रही होगी आपको, स्लाइडिंग वाली झूला है, बच्चों की झूला है। तो पता है क्या हुआ कि जो वो झूला है ना, उस झूले पे मैंने देखा कि 3:30 बजे एक बच्चा अकेला झूल रहा था। अकेला झूल रहा था वो बच्चा, मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो मतलब वो, क्योंकि शायद अगर आपकी जगह, पता नहीं आप मेरी बात पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे, शायद आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी नहीं विश्वास करती। मैं ही बोलती शायद पता नहीं क्या फालतू की बातें बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बस सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में मैंने उधर एक बच्चा देखा था, वो स्लाइडिंग पे अकेला झूला था। उस बच्चे का उम्र कोई ज्यादा नहीं लग रहा था, मतलब कुछ लग रहा होगा 2.5 से 3 साल का बच्चा, बस इससे ज्यादा उसकी उम्र थी नहीं। ठीक है, वो बच्चा उस स्लाइडिंग पे झूला था। फिर मुझे लगा कि शायद ही होगा किसी का बच्चा। पहले तो मैं डर गई उसे देख के कि ये कौन भाई, इतना सा बच्चा इतनी रात को अकेले कैसे घूम रहा है, झूल रहा है झूले पे। फिर मुझे लगा कि शायद भाई होगा भाई, बच्चे रोने लगते हैं, बच्चों का तो उनका कोई पता नहीं है, शायद वो बच्चा रो रहा होगा तो उसका कोई मम्मी पापा कोई लेके आ गए होंगे सुबह 3:30 बजे। काफी लोग निकल भी जाते हैं घूमने के लिए, मैंने सोचा भाई कोई निकल लेके आए होंगे उसके पापा मम्मी झुलाने के लिए झूले पे। अब मैंने पूरा दूर दूर तक देख लिया, कोई भी नहीं था, वही झूला है। देखो एक दिख रहा है ब्लू कलर का स्लाइडिंग, दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का, उसी ब्लू कलर के स्लाइडिंग पे वो बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा था। मतलब मैंने पता है फिर पूरा, मतलब मैंने देख भी लिया कि इधर उधर सब जगह मैंने देखा कि अगर भाई कोई बच्चा अगर पार्क में झूल रहा है तो उसके पेरेंट्स तो उसके पास ही होंगे, फिर थोड़ा आसपास ही होंगे, दूर होंगे। वो बच्चा मैंने आसपास भी उसके कोई नजर नहीं आया ना, उसके मतलब दूर दूर तक तो कोई नजर नहीं आया था। क्योंकि आप देख रहे होगे हमारे जो पार्क है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में ना बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लग रही है, तो पूरा पार्क में बहुत ज्यादा उजाला होता है, सब दिखता रहता है, मतलब पूरा कोना कोना दिखता है। 4 लाइट है बहुत बड़ी बड़ी वाली, जैसे ग्राउंड में नहीं होते मैचों के में, ऐसी लाइटें हैं 4, तो पूरा उजाला रहता है, अंधेरे का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो पूरा दिखता है। पर वो बच्चा अकेला था, कोई उसके माँ बाप या उसके साथ कोई भाई बहन कोई नहीं, वो बच्चा पता नहीं अकेला है बैठा है। और मेरी तो हालत खराब हो गई, मैं पसीने छूटने लगी, मैं तो फिर पानी का ग्लास रख के मैं सीधा सीधा भागे अंदर गई, और मैंने इनको भी बोला कि उठो उठो उठो, पता है मैंने एक बच्चे को देखा है वो झूले पे झूल रहा है। तो बोलने लगे तो कौन सी बड़ी बात है, झूले पे झूल रहा है तो झूले पे झूल रहा है तो कोई उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो गई उसके माँ बाप लेके। मैम बोला अरे कोई भी नहीं हो उसके साथ, अकेला कैसे कोई माँ बाप बच्चे को छोड़ देगा। तो मैंने इनको बुला के लेके आई, मैंने बोला आप चलो आप चलो। तो फिर मैंने इनको भी दिखाया, इनको तो दिखा ही नहीं वो। मैंने फिर वो उसके बाद फिर वो मैंने भी देखा वो बच्चा पता नहीं कहाँ पे गया वो, मतलब वो तब तक तो झूल रहा था। जैसे ही मैं इनको बुला के लेके, अब मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर भागी भागी गई, इनको उठा के मैं लेके, इतने में वो बच्चा गया। अब सुबह से मेरी इतनी हालत खराब हो गई, पता है मैं सुबह सुबह उठते पूजा करती, पर आज मेरा मतलब मन इतना खराब हो गया था ना, तो इसलिए मेरे से पूजा भी नहीं सुबह उठ के, मैं सीधा आप भी बस दूध उबाली हूँ, अब चाय वाय बनाऊंगी। पर सच्ची में वो पता नहीं क्या था क्या नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, अगर कोई बच्चा था तो उसके माँ बाप कहाँ थे उसके साथ, उसके माँ बाप क्यों नहीं थे उसके साथ, मुझे नहीं पता। पर वो 2.5 से 3 साल का बच्चा था, इतना छोटा बच्चा है, रात में रात ही 3:30 बजे स्लाइडिंग पे झूलना बहुत बड़ी बात होती है, पर बहुत डर लग रहा था। अब दोस्तों वैसे पता नहीं आप मेरी इस बात पे विश्वास करोगे नहीं करोगे, पर सच्ची में ये हादसा मेरे साथ कल रात को हुआ है, बहुत डर रही थी। आप देख सकते हो मेरे रोंगटे यहाँ पे खड़े भी हुए हैं बहुत ज़्यादा डर की वजह से, क्योंकि अभी भी मैं उस चीज़ को सोच रही हूँ तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब वही सोच सोच मेरे को और डर लगा जा रहा है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, अब पता नहीं। बस आप दुआ करो कि भगवान जो मैंने देखा है वो चीज ना हो जो मैं सोच रही हूँ, वो सच्ची में किसी का बच्चा ही हो, उसके माँ बाप वहाँ ही आस पास हो तो अच्छा है। बस मैं तो यही दुआ करूंगी कि भगवान हम ठीक रहे और सभी ठीक रहे। तो
ठीक है फिर, अब मेरे से अब बोला नहीं जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक।